हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कृष्णा लोहान एंड आई वेलकम यू टू एट माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एटमोसफियर से रिलेटेड एक थर्ड पार्ट लेके आई हूँ, जिसका नाम आप देख रहे हैं सौरमंडल पार्ट थ्री। ये आपका पूरा का पूरा ईवीएस का वायुमंडल और सौरमंडल से रिलेटेड पूरा चैप्टर यहाँ आज क्लियर हो जाता है। अब हम लास्ट हमने पिछली वीडियो में हम एंड कर चुके थे बाह्य मंडल यानी अंतरिक्ष में थे। अंतरिक्ष में अब हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में, ग्रह कौन कौन से हैं उनके लिए भी श्योर डिटेल मैं यहाँ आपके लिए लेके आई हूँ। तो इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा और किसी भी तरह के डाउट और किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो यहाँ पे तुरंत सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अगर चाहिए है तो आप मुझे उसके लिए बोल सकते हैं। आपके ही साथ और आपके ही प्यार की वजह से मैं यहाँ पर आज इतने एफ़र्ट्स कर रही हूँ। तो दोस्तों, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए और किसी भी तरह की टॉपिक से रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट्स ही मुझे मोर एफर्ट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनको हम वन बाय वन वेरी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले सूर्य के पास कौन है? बुध ग्रह, मरकरी। सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा है। दैनिक तापांतर इसका कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस। रात्रि का तापमान 173 और दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस। सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे पास है। दिन का तापमान इसका 173 और रात का तापमान इसका 427 है। ठीक है, इसको जोड़ के आप क्या डिफाइन कर लेंगे कि पूरा ताप ही इसका पूरा 600 डिग्री सेल्सियस है। इसमें वायुमंडल नहीं होता है, ओके। इसका कोई उपग्रह भी नहीं, यानी कि इसका सैटेलाइट भी कोई नहीं है। परिक्रमण काल यानी इसके घूमने की गति 88 दिन की होती है। कितने दिन में घूमता है? 88 दिन में घूमता है। दूसरे हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो सेकंड नंबर पर है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है इसका नाम शुक्राचार्य देवता के नाम पे रखा गया है, और वो कौन था? ग्रीक देवता था। ग्रीक देवता सुंदरता का देवता था। किस चीज़ का देवता था? सुंदरता का देवता, यानी सुंदर था तो शुक्र ग्रह सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। यह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। इनके 90 से 95% CO2 गैस कहाँ मिलती है? शुक्र ग्रह पर मिलती है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह भी शुक्र ही है। सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है इसको। इस ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। यानी कितने नाम है इसके? पृथ्वी की बहन हो गई है, चमकीला ग्रह हो गया है, भोर का तारा होता है, सांझ का तारा होता है। ठीक है, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं होता है। इसका परिक्रमण काल 225 दिन का होता है। बुध ग्रह का कितना था? 88। इसका घूर्णन और परिभ्रमण काल दोनों ही 243 दिन के होते हैं। 243 दिन और पूरा परिक्रमण काल इसका कितने दिन का होता है? 225 दिन का। शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है, और पृथ्वी कहाँ से करती थी? पश्चिम से पूर्व की ओर। ओके, ये चीज़ें हैं, थोड़ा इनको याद कर लीजिए। थर्ड नंबर पर कौन है? मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पर जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण ये लाल ग्रह होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ओलंपस मैसी ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है। कौन सी ज्वालामुखी? किस ग्रह पे? ओलंपस मैसी ज्वालामुखी आ जाता है। मंगल ग्रह पर कौन सी ज्वालामुखी है, या ओलंपस मैसी ज्वालामुखी कौन से ग्रह पर है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ये। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन से ग्रह पे है, या उसका नाम क्या है आप बताइएगा? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ओलंपस मैसी
निम्स ओलंपिया पर्वत जो मंगल ग्रह पर दिखाई देता है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है, यानी मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत भी है निम्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। मंगल के दो सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा सैटेलाइट कौन है? डिमोस। मंगल का परिक्रमण काल कितना है? 685, और उसका शुक्र का कितना था? 223, 243, और बुध ग्रह का कितना था? 88। इन चीज़ों को साथ साथ कंपेयर करते याद कर लिए। बृहस्पति के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह है, प्लैनेट सबसे बड़ा है सौरमंडल का। मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्र ग्रह परिक्रमण करते हैं, यानी इन दोनों के बीच में शुद्र ग्रह जो है घूमते रहते हैं। सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे तेज इसकी घूमने की गति है, लगभग 10 घंटे में घूम लेता है ये। हमारी पृथ्वी कितना टाइम लेती है आपको पता ही? इस चीज़ का कमेंट में बताइएगा मुझे। उपग्रहों की संख्या कितनी है इसके? यानी इसके सैटेलाइट 79 हैं सबसे ज़्यादा। बृहस्पति बड़ा भी है और इसके सैटेलाइट्स, इसके जिसके चांद बोल सकते हो आप, इसके चांद 79 हैं। दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो मैंने बता दिया। बृहस्पति के प्रमुख उपग्रह कौन कौन से हैं? ज्ञानी, मेड, यूरोपा, कैलिस्टो। सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा ज्ञानी, यूरोपा, कैलिस्टो। ज्ञानी मेड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह। और सबसे छोटा कौन था? डिमोस। किसका था वो? मंगल का। परिक्रमण काल इसका कितना है? 11.8 वर्ष, 12 वर्ष। अब शनि की बात कर लेते हैं हम। शनि दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट बृहस्पति के बाद। ये सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह होता है शनि। इसका घनत्व देखिए पृथ्वी से कितना गुना ज़्यादा है? 5.52। और न्यूनतम घनत्व शनि का कितना है? 0.70 gm ग्राम, जो भी है मतलब इसके हिसाब से। शनि को पीला ग्रह भी कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है, शुक्र को चमकीला ग्रह बोला जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है, और शनि को कौन सा ग्रह बोला जाता है? पीला ग्रह बोला जाता है, क्योंकि इस ग्रह पे अमोनिया मियोन गैस, सॉरी मिथेन गैस ज़्यादा पाई जाती है। अमोनिया और मिथेन गैस ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से इसको पीला ग्रह बोलते हैं। अधिक उपग्रहों वाला ग्रह यानी कि इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 82। सबसे ज़्यादा ग्रह अगर सॉरी सबसे ज़्यादा उपग्रह सैटेलाइट पूछ लिए जाएँ किसके हैं तो शनि के हैं 82। उससे कम किसके थे? 79 किसके थे? बृहस्पति के। सबसे बड़े उपग्रह इसका टाइटन, और यह बुध ग्रह के लगभग है, यानी कि इसका एक ही उपग्रह बुध ग्रह के बराबर है। IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है इस पे कार्य करती है। इसका मुख्यालय पेरिस या फ्रांस में है। शनि के चारों ओर 7 वलय छल्ले पाए जाते हैं। इसे वलित ग्रह भी कहते हैं, गैलेक्सी नुमा ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस यानी अरुण ग्रह की बात कर लेते हैं। इसको हरा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि मिथेन गैस की अधिकता। मिथेन और किस पे बताई? शनि पे। इसके बाद मिथेन कहाँ है? यूरेनस यानी अरुण ग्रह पर है। इसको हरा ग्रह कहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस। इसकी खोज विलियम हर्शेव 1781 में की थी। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी 1781 में। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। एक तो ये कौन है? हरा ग्रह, और दूसरा लेटा हुआ ग्रह, टेढ़ा है ये, क्योंकि यह अपने अक्ष पर लगभग 90 डिग्री तक झुका हुआ है। पृथ्वी झुकी हुई है थोड़ी सी। यूरेनस के चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं। शनि में कितने पाए जाते थे? 7। शनि में 7 वलय पाए जाते हैं और यूरेनस में 5 वलय पाए जाते हैं, यानी छल्ले इसके पास भी हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए आज हम कर लेते हैं सौरमंडल पार्ट 3। सौरमंडल में पृथ्वी, पहले हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, अपने ही ग्रह को छेड़ेंगे पहले हम, कि भी आप क्या क्या करते हो, क्या क्या है आपके पास। पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है।
आप सभी को पता होगा, पहले पे बुध है, दूसरे पे शुक्र है, फिर पृथ्वी है। ग्रहों को दो भागों में बांटा जाता है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। दो प्रकार के ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाहरी ग्रुप में कौन कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी कि चार उसमें हैं और चार उसमें हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3×10^8 ms, 3×10^10 बोल सकते हो, 10^8 ms। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड, लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 500 सेकंड बोल सकते हो आप। पृथ्वी का आकार जो है वो प्लैनेट्स में पांचवें नंबर पर है। पांचवें नंबर पर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर पर पड़ता है। ग्रहों का आकार घटते क्रम में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 13 लाख गुना। पृथ्वी का क्षेत्रफल 51.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। पृथ्वी का क्षेत्रफल एरिया 51.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। पृथ्वी की त्रिज्या सूर्य बड़ा है ना, तो इस हिसाब से पृथ्वी की त्रिज्या से वो 109 गुना अधिक है। सूर्य का गुरुत्व बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 28 गुना अधिक है। सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। अब हम बात कर लेते हैं घनत्व के बारे में, डेंसिटी। पृथ्वी की डेंसिटी जो है सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 5.52 ग्राम या फिर cm3 स्केयर। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि, 0.69 gm। सबसे कम घनत्व वाला कौन है? शनि। सबसे ज़्यादा कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी का आकार हम देख लेते हैं। पृथ्वी का आकार जियोंड या पृथ्वी का पृथ्वाकार है, जिसको कि स्फेरिकल भी बोलते हैं इंग्लिश में। पृथ्वी के आंकड़े देने वाली संस्था IUCC यानी भूमापी एवं भूभौतिकी विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संघ, जो कि कहाँ पर है? जर्मनी में है। पृथ्वी के आंकड़े देने वाली संस्था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 127.14 किलोमीटर है, यानी 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, एक्सिस पर इसका व्यास। और विद्युवतीय व्यास क्या है इसका? 12,756 किलोमीटर। वो कितना था? ध्रुव पे है 12,714 और विद्युवतीय व्यास कितना है? 12,756। ध्रुवीय महान वृत्त का व्यास 40,008 किलोमीटर और विषुवतीय यानी कि ध्रुवों पर पृथ्वी का व्यास 40,008 किलोमीटर है और विषुवत पर क्या है? 40,075। पृथ्वी पर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त विषुवतीय महान वृत्त है। सबसे बड़ा वृत्त पृथ्वी पर बनता है जो विषुवतीय महान वृत्त कहलाता है। पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल देख लेते हैं। पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्थल भाग, जल क्षेत्र यानी कि स्थल, और यहाँ पे जल क्षेत्र बोला जाता है, जल भाग और स्थल भाग बोला जाता है। पृथ्वी के बारे में बात हो रही है।
स्थल भाग जो है 29% होता है और जो जल भाग है वो 71% है, यानी कि पानी ज़्यादा है। स्थल भाग को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, जो कि घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन है? एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। अब जल क्षेत्र कितने पार्ट में बटा हुआ है? पांच में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक और फिर आर्कटिक, यानी कि ये पांच इसके कॉन्टिनेंट्स हैं। ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिक और आर्कटिक महासागर। 7 महाद्वीप, 5 महासागर। पृथ्वी पर जलमंडल, पृथ्वी पर 97.25% लवणीय जल है, यानी खारा। 97.25% जल जो है लवणीय जल है। अब यहाँ पे स्वच्छ जल की अगर हम बात करें तो स्वच्छ जल जो है टू पॉइंट सेवेंटी फाइव परसेंट है, 2.75% स्वच्छ जल है। स्वच्छ जल में भी 2% जल जो है हिमानियों या हिम टोपियों में है, ग्लेशियर्स में, और बचा हुआ जल नदियों, झीलों, भूकर्मणिक जल मृदा में नमी जैव मंडल में है। पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है जिसे अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लोंगीट्यूड और लैटीट्यूड कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं जो कि क्या है, लैटीट्यूड रेखाएं होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींचते हैं उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, कोई भी एक नाम इनमें से याद कर लीजिए, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। पृथ्वी का ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध और निचला भाग दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाता है। पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या उत्तर में 90 और दक्षिण में 90 तथा एक 0 डिग्री अक्षांश है, इसका कारण 181 है। यानी क्या है, अक्षांशों को अगर हम मापने चले तो ये 90-90 के स्पेस से हैं और जो 0 डिग्री अक्षांश है उसका कारण क्या है, 180 डिग्री। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ लैटिट्यूड 179। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, यानी कि ये अक्षांश रेखाएं होती हैं 90-90 के फर्क पे होती हैं, 90-90 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। अब इसके बाद दो अक्षांशों के मध्य दूरी हमेशा एक समान होती है, जो यह 1 डिग्री कितने के बराबर है, 111 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी के दो अक्षांशों के बीच के भागों की दूरी को कटिबद्ध कहलाता है, यानी कि बेल्ट बोलते हैं उसको। पृथ्वी के दोनों भागों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? बेल्ट बोलते हैं, कटिबद्ध बोलते हैं हिंदी में। पृथ्वी के दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोर गोर कहलाता है, यानी वो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या थी? बेल्ट। और देशांतरों के बीच की दूरी को बोलते हैं गोर, तथा इन दोनों के बीच के केंद्र को हम कहते हैं ग्रिड। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए थे। इसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिनको हमें लर्न करना होता है, खाली हम ये एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जो है पढ़ने की क्षमता और ज़्यादा से ज़्यादा विषय वस्तु हमें चाहिए होती है, तभी जाकर कुछ ना कुछ चीज़ हासिल होती है। मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल रेडीमेड चीज़ें जो कि आप यहाँ से अच्छी तैयारी कर पाएँ, और आई होप सो कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ और क्लियर हों उसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सोलर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है ये। इसमें हम वेरी डिटेल पूरे पूरे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बाद। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या 10 की शक्ति 11,
यानी कि 10 के स्केयर में 11 गैलेक्सीज हैं इसकी। एवरी गैलेक्सी हैज़ सम नंबर ऑफ स्टार्स इन इट, यानी कि 10 की शक्ति 22, 10 स्केयर, 10 इंटू स्केयर इसका कितना है, 22 स्टार्स। सबसे बड़ी आकाश गंगा बोला जाता है लाइमन अल्का ब्लाट्स, सबसे बड़ी आकाश गंगा लाइमन अल्का ब्लाट्स। हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी आकाश गंगा कौन सी है, एंड्रोमीडा। सौरमंडल के सबसे पास में कौन है, एंड्रोमीडा, यह है गैलेक्सी आकाश गंगा जिसको बोलते हैं। हमारा सौरमंडल किस में स्थित है, मंदाकिनी आकाश गंगा में, या इसको दुग्धा मेखला भी बोला जाता है। हमारे सौरमंडल यानी हमारे जितने भी 9 के 9 प्लैनेट्स बोल सकते हैं, हालांकि अब 8 हैं लेकिन पहले 9 थे, ये सारे के सारे कहाँ हैं, मंदाकिनी आकाश गंगा में, या इसको दुग्धा मेखला आकाश गंगा भी बोला जाता है। इसका आकार सर्पीला आकार है, सांप की तरह। हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला भाग ओरियन नेबुला है। हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला भाग क्या है, ओरियन नेबुला। सबसे चमकीला तारा सीरियस है जिसको डॉग स्टार भी बोला जाता है। सबसे चमकीला तारा सीरियस या इसको डॉग स्टार भी कहते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा होता है, प्रोक्सीमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे नज़दीक तारा प्रोक्सीमा सेंचुरी। दिशाओं के बारे में बताने वाला तारा कौन सा है, नॉर्थ स्टार, जिसको कि हमारे लोकल में पानी देकर व्रत वगैरह खोले जाते हैं, ध्रुव तारा। 140 AD यानी 140 AD में पृथ्वी के केंद्रित संकल्पना क्लोडियस टॉलमी ने दी थी। पृथ्वी केंद्रित संकल्पना किसने दी थी, क्लोडियस टॉलमी ने। कब दी थी, 140 AD में, अन्ना डेमिनो। 1543 AD में इस संकल्पना को गलत साबित किया गया, किसने किया, निकोलस कोपरनिक्स ने। निकोलस कोपरनिक्स ने, गैलेक्सी की बातें चल रही हैं यहाँ पे तो निकोलस कोपरनिक्स का आना यहाँ पे ज़रूरी है। निकोलस कोपरनिक्स जो थे, इनके द्वारा फिर एक संकल्पना दी गई, सूर्य केंद्रित संकल्पना। वो क्या थी, पृथ्वी केंद्रित संकल्पना। 1609 AD में पहला व्यक्ति था जिसने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। दूरबीन वाला कौन था भाई, गैलीलियो। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन की सहायता से अनेक ग्रहों की खोज की, जैसे कि मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र। कितने ग्रह हो गए हैं, 5। 5 ग्रहों की इसने खोज की थी गैलीलियो ने, किससे की थी, दूरबीन से। कब की थी, 1609 AD में। अब 1805 AD में आ जाते हैं, यानी इसके बिल्कुल तुरंत 200 साल बाद बोल सकते हो आप। विलियम हर्शल जो थे, इनके अनुसार हमारा सौरमंडल एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश है, यानी हमारी गैलेक्सी में और भी प्लैनेट्स हो सकते हैं या और भी सौरमंडल हो सकता है। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी, अब इसने नहीं की थी गैलीलियो ने, अरुण ग्रह छूट गया था, तो किसने की उसकी खोज, विलियम हर्शल ने। जॉन गैले के द्वारा वरुण ग्रह की खोज हुई, यानी 5 और 2 7 हो गए, पृथ्वी का, पृथ्वी पर हम हैं ही, 8 हो गए, एक जो अब रह गया प्लेटो। प्लेटो को माना नहीं जाता है वैसे, लेकिन पहले इसकी गिनती होती थी। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे सौरमंडल को। हम सौरमंडल के सदस्यों की संख्या कौन कौन होते हैं इसमें, वैसे तो प्लैनेट्स को अगर देखें तो 8 होते हैं, लेकिन इससे और भी इसमें होते हैं, जैसे कि सूर्य है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह भी बोला जाता है, प्लैटो को क्षुद्र ग्रह बोला जाता है आजकल, धूमकेतु, उल्कापिंड जैसे कि ये हैं, पिंड भी हैं इस, छोटे और पिंड्स भी हैं इसमें, और धूल कण भी और गैसें भी, ये सौरमंडल का हिस्सा है। ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। पहला है सूर्य। सूर्य हमारे सौरमंडल का जनक है, यानी हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य से ही मानी जाती है। सूर्य पृथ्वी से 14.78 करोड़ यानी कि 14.78 करोड़ यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, इसको बोल सकते हो नियर अबाउट, यानी एक खगोलीय इकाई दूर। सूर्य का प्रकाश गति अगर बोली जाती है तो 3 × 10⁸
मिलियन बोल सकते हो आप इसको, या सेकंड बोल सकते हो। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 अधिक गुना है। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, रिपीटेशन चल रही है। सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से 28 गुना अधिक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत न्यूक्लियर फ्रिजन यानी नाभिकीय संलयन, यानी करना इसमें टुकड़े होते रहते हैं। नाभिकीय संलयन की क्रिया जो है 1h² + 1h² = 2he4 × 4 + ऊर्जा। हाइड्रोजन और हीलियम के अनुसार का अनुपात जो सूर्य पर होता है वो कितना है, 3:1 कितना है, 1 पाया जाता है हाइड्रोजन और हीलियम का। वास्तविक आंकड़े सूर्य पर हाइड्रोजन कितनी है, 71%, हीलियम 26.5, अन्य गैसें 2.5 होती हैं। सूर्य का चमकीला भाग प्रकाश मंडल कहलाता है यानी फोटोस्फेयर। चमकीले भाग को क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर। प्रकाश मंडल दो भागों में बटा हुआ होता है, क्रीट और क्रोड, इंग्लिश में कोरोना और कोर। सूर्य के बाहरी भाग का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी भाग का तापमान, सूर्य के चारों ओर जो ज्वालाएं निकलती हैं उन्हें सौर ज्वालाएं कहते हैं। प्रकाश मंडल में दो प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होती हैं, सौर ज्वालाएं और सौर कलंक। इस घटना का तापमान कम हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस तो उसे सौर कलंक कहा जाता है, सनस्पॉट। एक सौर चक्र बनने में 11 वर्ष का समय लगता है, इसके पूरे होने में 22 वर्ष का समय डबल लगता है इससे। सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वालाएं विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली वायुमंडल की परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल होती हैं, इनको भी हम रिवाइज कर चुके हैं। आयन मंडल में गैसों के अंश पाए जाते हैं, इसी कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल है। सूर्य से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण आयन मंडल के आयनों से टकराते हैं, एक चमत्कार घटना पैदा होती है। इस घटना का नाम अरोरा कहा जाता है, पिछले उसमें डिफाइन नहीं था इसका नाम। अरोरा कब होता है, जब सूर्य से विद्युत चुंबकीय किरणें निकलकर आयन मंडल के आयनों से टकराती हैं। अरोरा की घटनाएं ध्रुवों से दिखाई देती हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव से देख सकते हैं इसको, जहाँ पर कि नासा का सेंटर भी है।